हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं हरीश और मेरे चैनल का नाम है अनमोल हिंदी। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि अभी हाल ही में मैंने गो लाइट स्किन लाइटनिंग क्रीम के ऊपर फुल डिटेल रिव्यू वीडियो बनाया था। आई एम श्योर कि आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में क्लिक करके पहले वो वीडियो देख लीजिए। दोस्तों, गो लाइट क्रीम ये बहुत ही अच्छी एक नेचुरल स्किन लाइटनिंग क्रीम है, जिसके इस्तेमाल से हमारे त्वचा की रंगत निखरती है, त्वचा गोरी बनती है और चेहरे के दाग धब्बे भी हल्के होने लग जाते हैं। इसे ज्यादातर स्किन डॉक्टर स्किन लाइटनिंग के लिए लिखते हैं, क्योंकि यही वो क्रीम है जो बिना आपकी त्वचा को किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाए आपकी त्वचा को गोरी व आकर्षक बना सकती है, जिसे स्किन डॉक्टर भी बखूबी जानते हैं। इसीलिए वे गो लाइट क्रीम को स्किन लाइटनिंग के लिए लिखते हैं। दोस्तों, वैसे तो मैंने मेरे पिछले वीडियो में गो लाइट स्किन लाइटनिंग क्रीम की कंप्लीट जानकारी दी थी, लेकिन आज के वीडियो में मैं बताऊंगा गो लाइट क्रीम का इस्तेमाल करके कम समय में स्किन को ज्यादा फेयर एंड ग्लोइंग कैसे बनाया जा सकता है। दोस्तों, अगर आप गो लाइट क्रीम के साथ विटामिन सी टेबलेट का उपयोग करते हैं तो आपको बहुत जल्दी ही स्किन लाइटनिंग रिजल्ट देखने को मिलता है। दोस्तों, विटामिन सी टेबलेट के साथ ये गो लाइट क्रीम बहुत ही तेजी से रिजल्ट देती है और बहुत कम समय में ही स्किन में निखार ला देती है। आप गो लाइट क्रीम के साथ लिम्सी विटामिन सी टेबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड की है और बहुत ही डिटेल से लिम्सी टेबलेट की पूरी जानकारी दी है, जिसे आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों, लिम्सी टेबलेट आपको सिर्फ 23 रुपए में किसी भी केमिस्ट शॉप पर बड़ी ही आसानी से मिल जाएगी, जिसके लिए आपको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पेपर की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आपको OTC यानी कि ओवर द काउंटर बड़ी ही आसानी से मिल जाएगी, जिसे आप चाहे तो ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं, जिसकी बाइंग लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जिससे ये टेबलेट आपको इजीली मिल जाएगी। अब आप ये जान लो कि इसे इस्तेमाल कैसे करना है और कब तक करना है। दोस्तों, गो लाइट क्रीम को आपने डेली रात में सोने से पहले अपने पूरे चेहरे पर लगाना है, लेकिन इस क्रीम को अपने फेस पर लगाने से पहले अपने फेस को सोप फ्री क्लींजर से जरूर वॉश करें, उसके बाद ही इस क्रीम को अपने चेहरे पर लगाएं। इस क्रीम को आपको डेली 3 मंथ तक लगाना है, उसके बाद स्टॉप कर देना है। इसी के साथ आपको 3 मंथ तक इस लिम्सी टेबलेट की एक टेबलेट को दिन में एक बार डेली लेना है। आप इस टेबलेट को दिन में कभी भी ले सकते हैं। ये चेवेबल टेबलेट है, जिसे बिना पानी के चबाकर खाना रहता है। इस दौरान आपको डे टाइम में कोई भी अच्छा सा सनस्क्रीन बाहर जाने से पहले लगाना बेहद जरूरी है। आप कोई भी अच्छा सा SPF 30+ वाला सनस्क्रीन यूज कर सकते हैं। मुझे तो त्वच फेस गार्ड का SPF 50+ वाला सिलिकॉन सनस्क्रीन जेल पसंद है। आप चाहे तो इसे ट्राई कर सकते हैं, बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या आप कोई भी अदर सनस्क्रीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आप मेरे बताए अनुसार गो लाइट क्रीम के साथ लिम्सी विटामिन सी टेबलेट का उपयोग करें। आपको सिर्फ 15 से 20 दिन में ही आपकी स्किन लाइटनिंग होती दिखाई देगी। दोस्तों, यहाँ पर मैंने 15 से 20 दिन अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बोला है, किसी किसी में 1 से 1.5 महीने का समय भी लग सकता है, तो ये सब आपके स्किन पर डिपेंड करता है। अब बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट की। तो दोस्तों, ये एकदम सेफ स्किन लाइटनिंग क्रीम है, जिसके अभी तक कोई भी साइड इफेक्ट नहीं दिखाई दिए हैं। हाँ, लेकिन इसमें डाले गए कुछ कंटेंट से आपके स्किन में इरिटेशन या बर्निंग की प्रॉब्लम हो सकती है, जिसके होने के एकदम ना के बराबर चांस है। और सबसे जरूरी बात मैं आपको बता दूं कि ये कोई स्टेरॉइड या हाइड्रोक्विनोन क्रीम नहीं है। इसके इस्तेमाल से स्किन में रेडनेस या इचिंग की प्रॉब्लम नहीं होती है, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। यह आपकी त्वचा को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। दोस्तों, आप में से बहुत लोगों का सवाल था कि गो लाइट क्रीम को 3 महीने इस्तेमाल करने के बाद जब इसे छोड़ देंगे तो क्या लगाना चाहिए। तो दोस्तों, जब आप इस क्रीम को 3 महीने तक रेगुलर इस्तेमाल करेंगे तो आपकी स्किन पहले से ज्यादा गोरी व आकर्षक बन जाती है, लेकिन 3 महीने बाद जब आप इस क्रीम को लगाना छोड़ देते हैं तो वही गोरी व आकर्षक त्वचा को बरकरार रखने के लिए आपको अपने स्किन केयर पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने की जरूरत रहती है, जैसे कि डेली दिन में बाहर जाते समय सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना, अपनी त्वचा को क्लीन रखने के लिए क्लींजर का इस्तेमाल करना, मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करना। आप चाहे तो गो लाइट क्रीम को 1 मंथ का गैप देकर
नेक्स्ट 3 मंथ तक कंटिन्यू रख सकते हैं। दोस्तों मेरे बताए अनुसार आप इस क्रीम को इस्तेमाल करें, आपको पक्का स्किन लाइटनिंग रिजल्ट मिलेगा। इस क्रीम के ऊपर मैंने पहले ही वीडियो डाला है जिसमें ग्लो लाइट क्रीम की डिटेल से जानकारी दी है, जिसकी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे आपको इस क्रीम को समझने में आसानी होगी। अगर आपको इस क्रीम के बारे में कुछ भी पूछना है तो नीचे कॉमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक करें। थैंक यू।